अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अवेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम। सच का साथ में आपका मेजबान सैयद अकमल पीरा मुरादी। आए सबसे पहले सुर्खियों पर नजर करते हैं। ICJ के फिजाई हदूद की पाबंदी के मामले पर कतर के मौकफ की तायद। ट्रंप ने हांगकांग की खसूसी हैसियत खत्म कर दी। आज सूरज फिर खाने काबा के आइन को करो होगा। जम्मू व कश्मीर की सरकारी जुबान उर्दू से हिंदी करने को लेकर हाई कोर्ट में मफाद आमा का मुकदमा दायर। अदालत ने हुकूमत से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। कोरोना के 30,000 नए मामलों के साथ हिंदुस्तान में नया रिकॉर्ड कायम। इस पर 4,3 हज़ार अंबार। मुल्क का ज्यादातर मीडिया हाउस फस्ताई ताकतों के कब्जे में। टीवी चैनल्स नफरत फैलाने में मसरूफ। राहुल गांधी। नौजवान नई महारतों को सीखें और इनोवेशन की ताकत का मुजाहरा करें। वजीर आजम मोदी। दिल्ली फसाद पुलिस की नज़र में। कपिल शर्मा के खिलाफ केस नहीं बनता। मिश्रा के साथ अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को भी क्लीन चीट। काम का खजाना हासिल करने के लिए सेक्रेटेड जी ब्लॉक की खुदवाई। आंध्र प्रदेश काबीना इजलास कई अहम फैसले किए गए। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी। 120 नए मरीज मुसद्दिका। जुमला तादाद 2,248 हो गई। अब खबरें तफसील के साथ मुलाहिजा करें। ICJ के फिजाई हदूद की पाबंदी के मामले पर कतर के मौकूफ की तायद। फिजाई हदूद पर पाबंदी के मामले पर सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, मुत्तहिद अरब अमारात, UAE के मुकाबले में कतर के मौकूफ की आलमी अदालत इंसाफ ICJ ने तायद कर दी। ख्याल रहे कि कतर की एयरलाइन को 3 साल से अपने चारों पड़ोसी ममालिक की फिजाई हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के सदर ने कहा है कि बैनुल अक्वामी सिविल एविएशन के फैसले के खिलाफ बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की अपील मुस्तरद की जाती है। ट्रंप ने हांगकांग की खसूसी हैसियत खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की तरफ से हांगकांग को दी जाने वाली खसूसी मीरात को ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अमरीकी सदर ने उसके अलावा हांगकांग में नए सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले चीन हुक्काम पर पाबंदी आयद करने के हवाले से कानून पर भी दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी कांग्रेस इन कवानीन को इस माह के अवाइल में ही जहूर दे चुकी थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद जहां एक तरफ हांगकांग को अमरीका की तरफ से हासिल तजारती तरजीहात खत्म हो जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ उन चीनी हुक्काम ताजिरों और बैंकों पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी जिन्होंने हांगकांग की खुद मुख्तियारी को महदूद करने में चीन की मदद की थी। ख्याल रहे कि चीन जब से नया सिक्योरिटी कानून मंजूर किया है उसके बाद से ही मगरिब के कई ममालिक उसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। ताहम चीन पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि हांगकांग चीन का दाखिली मामला है और किसी को भी उसके दाखिली मामले में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है। आज सूरज फिर खाने काबा के आइन ऊपर होगा। आज एक बार भी सूरज खाने काबा के आइन ऊपर होगा जिसके बायस खाने काबा का साया खत्म हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि आज हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 3:06 पर सूरज खाने काबा के आइन ऊपर आएगा। सूरज खाने काबा के आइन ऊपर आने से पूरी दुनिया के मुसलमान किबले के सिमत का दुरुस्त तायुन क़िबला नुमा के बगैर भी कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में सूरज खाने काबा के मुतवाजी यानी एक ही क़त्ते अमूद पर आ जाता है जिसकी वजह से खाने काबा का साया दिखाई नहीं देता। ख्याल रहे कि रवां साल दूसरी बार सूरज खाने काबा के आइन ऊपर आएगा।
इससे पहले 27 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर सूरज खाने काबा के आइन ऊपर आया था। जम्मू व कश्मीर की सरकारी जुबान उर्दू से हिंदी करने को लेकर हाई कोर्ट में मफाद आमा का मुकदमा दायर। अदालत ने हुकूमत से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट में रियासती सरकारी जुबान को उर्दू से हिंदी करने के लिए एक मफाद आमा की दरख्वास्त दायर की गई है। इस पिटिशन पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने अब हुकूमत से जवाब तलब किया है। जम्मू व कश्मीर को मरकजी इलाके बनाने अब तकरीबन 1 साल होने जा रहा है और उस 1 साल के दौरान रियासत में बहुत सारे कवानीन और इंतजाम बदल चुके हैं। उसके तहत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करके मुतालबा किया गया है कि रियासत की सरकारी जुबान को उर्दू से हिंदी में तब्दील किया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकीलों के मुताबिक तंजीम नो एक्ट की दफा 47 में कहा गया था कि अब रियासत में अंग्रेजी, हिंदी या किसी दूसरी मुकामी जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाना चाहिए। वकला के मुताबिक हुकूमत गुज़िश्ता 1 साल से इस बारे में खामोश है और इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरख्वास्त गुजारों के वकीलों का दावा है कि उसी से हार कर अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दरख्वास्त गुजार के वकील आदित्य शर्मा के मुताबिक हिंदी को आइन हिंद के आर्टिकल 343 के तहत हिंदुस्तान की सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया है। उनके मुताबिक रियासत में तंजीम नो एक्ट के नफूस के बाद हिंदी को एक झंडे की तरह रियासत की सरकारी जुबान का दर्जा देना चाहिए। आदित्य के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हुकूमत से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोरोना के 30,000 नए मामलों के साथ हिंदुस्तान में नया रिकॉर्ड कायम, इस पर 4,3 हजार अंबार। मोहलिक कोरोना वायरस के योमिया केसेस में इजाफे के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक 29,000 से ज्यादा नए केसेस की इतला मिली है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 9,36,000 को अबूर कर चुकी है और उसी मुद्दत के दौरान ही 20,000 से ज्यादा मरीज सेहत मंद भी हुए हैं। बुध के रोज मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 29,429 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 9,36,181 हो गई है। उससे कबल मुसलसल 3 दिन तक 28,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 582 अमवात के साथ हलाक शदगान की मजमूई तादाद 24,309 हो गई है। मुल्क का ज्यादातर मीडिया हाउस फस्ताई ताकतों के कब्जे में, टीवी चैनल्स नफरत फैलाने में मसरूफ। राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि इस वक्त पेशतर मुल्क का अक्सर मीडिया फस्ताई ताकतों के कब्जे में है और उसका झूठा बयानिया जमहूरी कदरों की धज्जियां उड़ाने पर तुला है। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मुल्क को इस वक्त जिन चैनल्स का सामना है उससे मुतालिक आवाम को आगाह रखने और हकाइक उजागर करने के लिए वो अपनी वीडियो सीरीज शुरू करेंगे। उनका कहना है इस वक्त भारत के पेशतर मीडिया फस्ताई ताकतों के तसल्लुत में है, जो हकाइक पर पर्दा पोशी और झूठ फैलाने का काम कर रहा है। नौजवान नई महारतों को सीखें और अनोवेक्शन की ताकत का मुजाहरा करें। वजीर आजम मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से बुध को अपील की कि वह इल्म के साथ साथ हुनर और महारत भी सीखें और कोविड के बाद दुनिया के सामने हिंदुस्तान की अनुवेक्षण की ताकत को पेश करें। वजीर आजम मोदी ने योम आलमी महारत के मौके पर वजारत किल डेवलपमेंट और कारोबारी के जराए का एक डिजिटल कन्क्लेव से खिताब करते हुए ये अपील की।
इसी दिन 5 बरस पहले स्किल इंडिया मिशन की इब्तिदा हुई थी। वजारत स्किल डेवलपमेंट व कारोबारी डाकट रमिंदर नाथ पांडे, स्किल डेवलपमेंट और कारोबारी की वजारत वजीर ममलिकत आर के सिंह और लार्सन एंटो ब्रोलम टेड के ग्रुप चेयरमैन एएम नायक ने भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। लाखों की तादाद में जेर तरबियत के नेटवर्क समेत सभी फिरकों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वजीर आजम ने नौजवानों से नई नई महारत सीखने और हुनर को बेहतर बनाने की अपील की, जिससे वो तेजी से बदलते कारोबारी माहौल और बाजार की सूरत हाल में मुसलसल उसका हिस्सा बने रह सकें। वजीर आजम ने इस मौके पर मुल्क के नौजवानों को मुबारकबादी दी और कहा कि दुनिया सही मानों में नौजवानों की है, क्योंकि इनमें हमेशा नए नए हुनर सीखने की सलाहियत होती है। दिल्ली फसाद, पुलिस की नज़र में कपिल शर्मा के खिलाफ केस नहीं बनता। मिश्रा के साथ अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को भी क्लीन चीट। अलबत्ता बताया गया सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुनेश ससोदिया, वारिस पठान और अमानतुल्ला खान के बयानों की जांच पूरी हो रही है। फसादात से ताल्लुक मिला तो कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभी वर्मा के खिलाफ केस नहीं बनता है। अब तक उस बात का सबूत नहीं मिला कि फसाद में उनका कोई रोल रहा हो या उनकी तकरीरें फसाद भड़काने का सबब बनती हो। दाम का खजाना हासिल करने के लिए सेक्रेटेड जी ब्लॉक की खुदवाई। आसार कदीमा को खुदवाई की इजाज़त से इनकार। तारीकी में खजाने की तलाश, रेनूत रेड्डी का इल्ज़ाम। हैदराबाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेनूत रेड्डी ने निज़ाम हैदराबाद का खजाना हासिल करने के लिए सेक्रेटेट में खुदवाई का KCR पर इल्ज़ाम आयद किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेनूत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेट की कदीम इमारतों के इनहदाम के नाम पर की जा रही खुदवाई से कई शुबाहात पैदा होते हैं। उन्होंने ब्लॉक जो निजाम दौर हुकूमत में जी कहा कि सेक्रेटेट इख्तदार का मरकज था, उसके नीचे खजाना मौजूद है। हाल ही में अखबारात में इस सिलसिले में खबरें शाई हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश काबीना इजलास, कई अहम फैसले किए गए। वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सदारत में आज रियासती काबीना इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें चंद अहम फैसले लिए गए। रियासत में नए अजला की तश्कील पर एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा रियासत आंध्र प्रदेश में 9712 डॉक्टरों की जायदादों को पुर करने का फैसला किया गया। SC ST BC और अकलियती खवातीन को YSR चौथा स्कीम के तहत मजीद 8,21,000 खवातीन को माली इयानत का फैसला किया गया। आइंदा 4 वर्षों में 6,163 करोड़ रुपए मुख्तस करके 45 और 60 साल के दरमियान वाली खवातीन को 4 मरहलों में 75,000 फीकस देने का फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 2006 में तरमीम और सैंड कॉरपोरेशन के क्याम का फैसला किया गया। काबीना इजलास के बाद रियासती वजीर पेन्नी नानी ने अखबारी नुमाइंदों को तफसीलात से आगाह किया। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी। 120 नए मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद 2,248 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 120 नए मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिससे तादाद बढ़कर 2,248 हो गई। आज जिला कड़पा में सबसे ज्यादा केसेस कड़पा टाउन में 63 पाए गए। पोडुटूर में 8, काजीपेट में 9, बदवेल में 5, CK दिन्ने में 5, रेलवे कोडूर में 4, अटलूर में 3, वेम्पल्ली में 3, राजमपेट, चिटवेल, यरगुटला, दूर और पेल्लीमरी में 2-2 मरीज मुस्बत पाए गए।
वल्लूर, वेमुला, सिद्धोट, मैदकूर, सिम्हादीपुरम, रामपुरम, टंटूर, रायचोटी और सांबेपल्ली में एक एक मरीज मुस्बत पाए गए, जबकि बेरूनी ममालिक से आने वाला एक शख्स भी मुस्बत पाया गया। आज 67 मरीज मुकम्मल सेहत याब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। ताहाल 1233 मरीज मुकम्मल सेहत याब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ज़िला कड़पा के दूर दराज दही इलाकों में भी अब यह वबा फैलती जा रही है। ज़िला कड़पा की आवाम में भी खौफ की लहर दौड़ गई है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाले खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। शब बख़ैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।